सिविल लाइन के इलाके रेलवे हरथला कॉलोनी छोटा चौराहा पार्क के पास सब्जी का ठेला लगाने वाले और चंद्रनगर सैनी वाली गली निवासी लालमन और उनकी बीवी बिमला पिछले कई वर्षों से पार्क के पास सब्जी और पौधों का ठेला लगाने का कारोबार करते आ रहे हैं, जिससे उनकी तीन बेटियों का पालन पोषण होता है। बीती रात लगभग 2 बजे करीब कुछ अज्ञात लोगों ने सब्जी के ठेले पर आकर सब्जी ठेले से नीचे फेंक कर उसमें आग लगा दी। सूचना मिलते ही लालमन ठेले पर आया तो देखा कि दोनों ठेलों में आग लगी हुई है, जिसकी जानकारी डायल 112 को दी। पुलिस घटनास्थल को देखकर चली गई। ठेले स्वामी ने बताया कि हमारा करीब 15,000 का नुकसान हुआ, हम पर काफी कर्ज भी है और ऐसे में इन लोगों ने हमारी रोजी रोटी छीन ली। कुछ वर्ष पूर्व लालमन को गोली भी मारी गई थी। लालमन सुबह जब सब्जी लेने मंडी समिति पहुंचा, कुछ हमलावरों ने उसे घेरते हुए उसके सीने में गोली मार दी थी। गोली लगने के बाद 1 माह तक लालमन जिला अस्पताल में भर्ती रहा। बच्चियों के नसीब से किसी तरह वो ठीक हो गया और पार्क पर ठेला लगाकर पत्नी विमला के साथ अपना पालन पोषण और बच्चियों का पालन पोषण करता रहा। पुलिस का मानना है कि ये नशेड़ियों का काम हो सकता है। सब्जी का क्या हुआ था? हुआ कुछ नहीं, रात हम पैक करके गए सब्जी और रात 10 बजे हम गए तो रात हम लेट घर जाकर सो गए थे तो जहाँ पे 1 बजे का खन हमारे किसी ने आग लगा दी ठेले ठेले में आग लगा दी। हाँ जल्दी कितना हो गया? 10-15,000। कौन लोगों को पता? कुछ जानते कोई नहीं? पता नहीं, जानते हमें मालूम नहीं किसने लगाई है। कुछ अज्ञात लोग हैं? हाँ। अच्छा तो आपने पुलिस बुलाई थी? पुलिस बुलाई, 112 वाले बुलाए थे, वो देख के चले गए। वो कह रहे हैं नाम बताओ, हमें नाम पता ही नहीं, हम किससे बताएं। कब आए थे? रात आए 1:30 बजे। हाँ कितना पहले भी चोरी हुई थी? हाँ पहले भी चोरी हुई थी, सब्जी लेकर गई थी। कितने पहले? कम से कम 6 महीने पहले हुई। तो पहले पता चला कौन लोग थे? ना। क्या लगता तुम्हें कहाँ के लोग होंगे? कहीं के ही होंगे। इसी जगह के? हाँ। कह जाती हो आप? ठेला भी चोरी हो चुका है। पहले एक ठेला चोरी हो गया, कुछ सब्जी चोरी हो गई थी। अब कल सब्जी आग लगी, सब पूरे ठेले में लगी है? हाँ पूरे ठेले में, ठेला तो बुझा लिया हमने, बाकी सब कुछ जल गया। कैसे बुझाया? काफी दिन से लगा रहे हैं फिलहाल तो। अच्छा, क्या हुआ है? रात के 2 बजे आग लगा दी। अच्छा कौन लोग थे, कौन थे लगाई? अभी ये पता नहीं कौन थे हम, मतलब यहाँ पर रखवाली कौन सी रहती है? हाँ कुछ लाइट की प्रॉब्लम रहती है, अंधेरा रहता है, क्या पता किसी स्मार्टी ने लगाई है या किसने लगाई है, ये मुझे नहीं पता। पहले क्या हुआ था कभी? पहले पहले भी एक बार ठेला चोरी हो चुका है, एक ठेला। कितना नुकसान हुआ आपका? ये कम से कम 15,000 का नुकसान हुआ है। 15,000 हुआ है? हाँ 15,000 का। अच्छा आपकी वाइफ और आप ठेला लगाते हैं? हाँ। अच्छा आप पुलिस आई थी यहाँ पे? रात के 2 बजे आई थी। कौन सी पुलिस? 112। क्या कर गई? लिख के वो लिख के नहीं लिखेगी, वो ये बुझ रहे हैं, बोले किसके काम हो सकते हैं, किस पर शक है। मैंने कहा हम तो किसी के नाम पता नहीं, हम क्या बता सकते हैं। कैसे पता आपको आग लगी? घर पर जो है दो तीन जने बता के आए थे घर पर, जो हमारे घर का एड्रेस जानते हैं। लगभग कितने बजे का टाइम होगा? 1 बजे शुरुआत हुई है तो 2 बजे तक हमें पता चला है। कैसे बुझाई? पानी डाल के बुझाई है, खुद ही हो गई। हाँ तमाम जो है मेरा मंडी के ऊपर कर्जा है करीबन 4 लाख का, और जो है मेरे भाई सब्जी ला कर और हम लोग गुजारा करते हैं। कितने बच्चे आपके? 3 लड़की हैं, लड़का एक भी नहीं है। तो नुकसान का अर्जाना होने चाहिए, मिलना चाहिए। और क्या, कम से 15,000 का नुकसान हुआ है मेरा। क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं? हमारा मुआवजा मिल जाए, और क्या चाहते हैं, जो हमारा जितना नुकसान हुआ है। हम किसी के नाम ले नहीं सकते, क्या पता इसमें आगे के नाम है या मेरे दुश्मन के नाम है। पहली भी चली आपकी किसी पुरानी? हैं चली पुरानी भी आपकी से? चलता रही है 2-3 दिनों से या मगर हम किसी के नाम नहीं ले सकते, क्या पता काम किस